Leader of the House, Arun Jaitley. माननीय सभापति जी, मैं अपनी ओर से और सभी माननीय सदस्यों की ओर से हरिवंश जी का अभिनंदन करता हूं कि आज जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से इस सदन ने उनमें विश्वास प्रकट किया है उपसभापति होने का. पिछले कई वर्षों से एक सांसद के रूप में हरिवंश जी को देखने का हम लोगों को अवसर मिला है. उनकी जो अपनी बैकग्राउंड रही है, लेखक रहे, संपादक रहे, बैंकर रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, उस सब का उपयोग करके वो जब भी सदन में बोले हैं तो पूर्ण तैयारी के साथ बोले हैं. जब वो पीछे बैठते थे और आरंभ के वर्ष में भी बोलते थे तो उनकी हर विषय पर जिस पे बोलते थे रिसर्च पूरी होती थी. उनकी गरिमा, बात कहने की शालीनता, किसी पर व्यक्तिगत प्रहार ना करना, कभी सदन की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब ना करना, ये सब चीजें उनके बारे में हम लोग देखते रहे. और इसलिए मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो इन मापदंड के हिसाब से चलता रहा है, निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा उपसभापति के रूप में और बढ़ाएगा. आजाद साहब ने कहा कि उस तरफ थोड़ी कृपा ज्यादा बनी रहे. जिन्होंने भी इस सदन की परंपराएं बनाई थी, कुछ सोचा होगा कि उपसभापति को समर्थन ज्यादा यहां से मिलता है लेकिन सीट वहां दी जाती है. और शायद इसका कारण यह है कि बैठे आप आजाद साहब की बगल में लेकिन देखते हमारी तरफ. और ये दोनों काम तब पूरे हो जाएंगे कि जो एक संतुलन बनाना है कि सरकारी कामकाज की जो आवश्यकता है, जो देश के लिए बहुत जरूरी है, और विपक्ष का जो अधिकार है कि जनहित के मुद्दे उठाना, जो भी देश और समाज के लिए आवश्यक है, उसका संतुलन बनाए रखें, और जिसमें अधिक से अधिक लोगों को, विशेष रूप से जो बैक बेंचेस में बैठते हैं, कई बार उनकी भी शिकायत होती है हमें अवसर कम मिलता है, उन सब पे का ध्यान रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पद की गरिमा को और बढ़ाएंगे, सदन की कार्रवाई बहुत बेहतर तरीके से चलाएंगे, और जो पब्लिक डिस्कोर्स है जिसका स्तर ऊपर करने का पूरे देश के सामने चुनौती है, जिसका एक उदाहरण आप स्वयं देते थे, पूरा प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है इसमें सफल होंगे कि वो पब्लिक डिस्कोर्स का स्तर भी इस देश में ऊपर कर पाएंगे. धन्यवाद. प्रोफेसर राम गोपाल यादव. सिमन, मैं आज के इस अवसर पर